तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो अब्बासी जी प्लीज ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर और ये करता क्या है अच्छी चीज जानिए। पहले जानिए कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज क्या है। हमने अपना कोई नंबर टाइप किया, ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ जो शो हो रहा है तो उसको अलग तरीके से शो करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, बट कस्टम में हम अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ चेक नंबर लिखना चाहता हूँ और चेक नंबर में जनरली जीरो होता है बट एंटरप्राइज करते हैं जीरो एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक सिंगल कोड लगा के हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके डाल देते हैं या फिर हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब मैं इसमें अपना नंबर डाल सकता हूँ बिना सिंगल कोड लगाए, तो ये कॉलम टेक्स्ट हो गया। ये तो छोड़ ठीक है, आप टाइप कर रहे हैं तो आप इसकी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने आपको चेक नंबर भेज दिया है और उसने जीरो मेंटेन नहीं किया है वो इस तरह से, अब किसी में दो जीरो लगाना है, किसी में तीन जीरो, किसी में एक जीरो, किसी में लगाना ही नहीं, तो कैसे करें? क्योंकि तो इसको वन बाय वन जीरो लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां कस्टम फॉर्मेटिंग पे आते हैं और इसमें हम 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो डाल के ओके करते हैं। तो आप देखिए आ गया यहां पे जीरो मेंटेन हो गया। मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। हमने एरिया को सिलेक्ट किए, नंबर फॉर्मेट के कस्टम पे गए और यहां पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो हमने डाला एंड ओके कर दिया, तो आपके सामने ये देखिए आ गया। आ गया सर, बट यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये विजुअल है, ये सिर्फ आपको दिख रहा है 00135, बट एक्चुअल में क्या है 135। तो क्योंकि हम कल भी बताए थे आपको कि कोई कल नहीं सर कल तो क्लास में थी कल परसों बताया था क्लास में कि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता, सिर्फ विजुअल वैल्यू को चेंज करता है, राइट सर? तो क्या करें इसको, अगर मान लीजिए कि कहीं नहीं कहीं से आपको यहां सिंगल कोड लगा के मैं 135 कर दिया और यहां हमने कर दिया इग्नोर एरर। अब देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है बट अगर हम वी लुकअप लगाएं या हम किसी तरह का कंडीशंस लगाएं तो दोनों ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 2 3 5 है और विजुअल हो रहा है 00 1 2 3 5, लेकिन एक्चुअल में भी ये 00 है 135। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम अगर आपको ओरिजिनल में चाहिए तो फॉर्मूला और कंडीशन लगाने प्रिंटिंग पर्पस से नहीं चाहिए, आपको प्रिंटिंग पर्पस के अलावा चाहिए, तो उस केस में हम टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और जो कोड हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में लगाया था 6 टाइम 0 सेम कोड यहां लगा देते हैं, आपके सामने वैल्यू 00135026852 दिख गया। क्लियर है सर? यहां पे अगर मैं करूं कि a इक्वल और इसको, तो यहां पे ट्रू आएगा कि दोनों एक ही है।
और क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि मोबाइल नंबर है मेरा, आप मोबाइल नंबर है, मैं कंट्री कोड प्लस 91 डालता हूँ और फिर अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, तो प्लस 91 क्यों? क्योंकि 91 प्लस से क्या होता है, प्लस से आपका नंबर स्टार्ट होता है, प्लस से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। जब भी हम प्लस लिखना शुरू करते हैं फिर फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि मैं नंबर सिर्फ लिखूं और प्लस 91 ऑटोमेटिकली इसमें लग जाए, मैं सिर्फ नंबर टाइप करूं प्लस 91 ऑटोमेटिक आ जाए। तो इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहां कस्टम पे प्लस 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम जीरो दे दिया। जीरो देने प्रॉब्लम क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पे अकाउंट नंबर हमें लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अकाउंट नंबर आपका दिख रहा है। जैसे आप यहां पे 12 13 14 करते हैं ये साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है। इसको जनरल फॉर्मेट में करने के लिए सिंपल क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, कस्टम पे आना है और इस पे एक जीरो या हैश दे दीजिए, ओके कीजिए नंबर। पर ध्यान रखिएगा आप इसमें 15 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं डाल सकते। 15 डिजिट दिख रहा है, अब जैसे मैं 16 डिजिट में 8 डालता हूं तो ए आपका जीरो बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल की लिमिटेशन है कि 16 डिजिट तक का नंबर एक्सेप्ट करता है। 15 डिजिट से ज्यादा जैसे नंबर आपने डाला वो जीरो कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन कैपेसिटी है वो 15 डिजिट तक का ही है, 15 डिजिट के बाद वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता, इसलिए सुपर कंप्यूटर बना है क्योंकि इससे बड़ी कैलकुलेशन कर सके। ओके अब हम जैसे मान लीजिए यहां पे क्रेडिट कार्ड नंबर हम लिख रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड नंबर में मैं चाहता हूं कुछ इस तरह से 8 डिजिट का क्रेडिट कार्ड लिखते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट और एंडिंग के फर्स्ट, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 और लास्ट के फर्स्ट 4। जब मैं टाइप करूं तो कुछ इस तरह से बना आ जाए, जैसे मैं टाइप करूं 7 8 9 6 एंड 4 5 2 1, तो ए दिख जाए कुछ इस तरह से। बीच में ऑटोमेटिकली जो है 8 जो है एक्स लग जाए, 8 एक्स लग जाए और क्रेडिट कार्ड का फॉर्मेट, जो क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड होता है उसका फॉर्मेट होता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ यूज करेंगे 1 3 4 और फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में एक्स, अभी कोई भी टेक्स्ट को एक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा के साथ, कर दीजिए ओके इस तरह से दिख जाएगा। अब जीरो करने में प्रॉब्लम है, जैसे अगर मान लीजिए हम डिजिट कम डालें तो क्या होगा, तो आगे जीरो लगा दे। ऐसे देखिए मोबाइल नंबर में डिजिट कम डाल देते हैं तो जीरो लगा देते हैं, तो जीरो नहीं चाहिए मुझे, मुझे जो नंबर टाइप करूं या प्रीफिक्स सफिक्स लगा वही चाहिए, तो उस केस में यहां हम जीरो के जगह पे हैश डाल दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हैश और जीरो में फंडा क्या है, चलिए समझाते हैं। हम यहाँ पे नंबर डाल दिए 1500 डाल दिए, मुझे 1500 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एमआरपी 1500 या अमाउंट 1500, मतलब कि नंबर के आगे हम प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम है कि अगर मैनुअली टाइप करते हैं तो ये टेक्स्ट में हो जाता है, इस पे किसी भी तरह का नंबर वर्क नहीं करता, नहीं किया नहीं किया था। तो क्या करें, तो हम टाइप करें 1500 बट इसका विजुअल हो जाए एमआरपी 1500, तो उस केस में हम प्रीफिक्स सफिक्स लगाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में वो टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एमआरपी लिखा हुआ,
ठीक है। और इसके आगे हम हैश और जीरो ना लिखे तो ये एमआरपी बढ़ जाए। एमआरपी बढ़ गया ना, पर शो करना है तो मुझे जीरो एक एक भी डाल सकते हैं या हैश, कोई एक नंबर चाहिए अगर तो मिला वहां पे, जो टाइप नंबर्स है वो नंबर मिल जाएगा। बट जीरो जैसे हमने एक डाला तो कोई बात नहीं, अगर दो जीरो डाल देता हूं तो दो डिजिट को मेंटेन करेगा, मतलब अगर मैं फाइव लिखूंगा तो जीरो फाइव आएगा। बट हैश ऐसा नहीं करेगा, आप दो डाल दीजिए या दस डाल दीजिए, दो टाइप करेंगे आपको वही शो करेगा। तो हैश और जीरो का कस्टम फॉर्मेटिंग में ये फंडा होता है। अच्छा एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मैंने 15 रुपीज 65 पैसे डाला हुआ। अब इसको मैं इसकी जो विजिबिलिटी है देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग से कैसे चेंज करता हूं। मैं यहां पे जीरो हैश रुपीज और 00 पैसे, यहां देखिए जीरो हैश रुपीज 00 और पैसे कर दिया और एंटर किया, देखिए 15 रुपीज और 65 पैसा दिख रहा आपको, दिख रहा है सर। क्वेश्चन इसमें उठता है कि हमने यहां पे जीरो जीरो क्यों लगाया, जीरो हैश क्यों लगाया, हम यहां पे हैश कर सकते हैं। तो हैश करने से होगा कर दी कि जब पॉइंट्स में डालेंगे तो रुपीज दिखेगा सर, रुपीज 65 पैसे, बस और बचता है तो हम जीरो जीरो कर दें तो डबल जीरो दिख जाएगा, ये भी थोड़ा सा और बचता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक हैश कर देते या एक जीरो कर देते हैं तो रुपीज दिखेगा। तो यहाँ पे हमने जीरो और हैश दिया ताकि डिजिट मेंटेन कर सके। जीरो आ गया, अगर 5.89 किया तो 05 आ गया। कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? बोलिए क्या डाउट है। हाँ सर, ये होता है सपोज Basi ji, I am not audible. आपकी वॉइस है, कोई बात नहीं सर, आपको इंटरनेट चलेगा मैं पूछ लूंगा। इट्स ओके सर, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ठीक, ओके सर। तो यहाँ हम इस तरह का फॉर्मेट यूज करते हैं। ऐसा और भी है जैसे कि मान लीजिए 25,000 है, अब 1000 सेपरेटर तो हम यहाँ से लगा देते हैं, पर हम 1000 सेपरेटर नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम टाइप पे 25,000 बट 25 ही शो करे या उसके आगे पीछे हम के लगा दें। तो उस केस में हम कस्टम में आएंगे और यहां पे हम हैश देंगे और एक कॉमा दे देंगे, हैश और एक ओनली फॉर वन कॉमा अगर आप कर देते हैं, ओके करते हैं, देखिए 25 आ गया। मतलब मैं टाइप कर रहा हूं, मान लीजिए 50,000 टाइप किया तो 25 भी दिखे, 50 दिखेगा, बट एक्चुअल में विजुअल है, ओरिजिनल में 50,000 नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे 1000 इसमें 1000 प्लेस ऐड करना है, ये देखिए 51 है। हाँ, इसके आगे इसके पीछे में से मैं के लगाना चाहता हूँ, 50K जैसे होता है ना, लेकिन इनिशियल होता है, मुझे करोड़ में करने हैं तो मिलियंस में, तो मुझे यहाँ पे 0.00 और डबल हैश करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, क्या 2,000,000, 2.56, 2,56,000। इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं करोड़ के, लेकिन लाख के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम इस सबों का इस्तेमाल करते हैं अपनी। बट क्वेश्चन यहाँ आता है कि इसमें और कितने तरह के कोड एंटर किए जा सकते हैं, वो हम सब आपको बताएंगे धीरे धीरे, ध्यान रखिए।
अब हमने नंबर्स को अपने हिसाब से डेसिमल्स को जीरो को जानना सीख लिए, हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करना सीख लिए कोई भी नंबर्स में। उसके बाद आती है डेट। अगर मान लीजिए हमने कोई डेट डाला तो डेट का फॉर्मेट आपके सामने, लेकिन मुझे अपने हिसाब से फॉर्मेट लिखना है, तो डेट के लिए आगे फॉर्मेट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा आप चाहते हैं अपने हिसाब से, तो एक्सेल में यहाँ आपका एम होता है मंथ, डी होता है डे एंड वाई होता है ईयर। यहाँ देखिएगा आपको एग्जाम्पल दिखेगा ऊपर में, मैं एक बार डी करता हूँ तो यहाँ पे 23 आता है, दो बार करता हूँ फिर भी 23 आता है, लेकिन आपका 01 के फॉर्मेट में आएगा। तीन बार कर दिया थर्सडे, फोर लिख गया थर्सडे, फाइव कर दू और जितना भी ज्यादा करूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे मंथ में एम फॉर मंथ, डबल एम 01 के फॉर्मेट में आएगा, शॉर्ट नेम आएगा आपका जो है, फुल नेम आएगा, और फाइव टाइम एम करते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ आएगा। ईयर के लिए तो वाई है। अब इसको डी 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 को पहले लिखे, एम को पहले लिखे, जिस फॉर्मेट में जैसा लिखना चाहते हैं उस तरीके से आप कोड को जनरेट करके आराम से इसमें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको सामने दिख भी रहा है इस तरह से। इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या टाइम पे भी कुछ ऐसा है। जी हाँ, टाइम पे भी है। जैसे 10:20:30 हमने टाइप कर दिया तो इसकी भी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ एस फॉर आवर, एम फॉर मिनट, एस फॉर सेकेंड, एम पी एम इसके सामने लगाना है। अगर पहले लगाना है तो पहले, या बाद में लगाना आफ्टर दैट तो यहाँ पे एम स्लैश पी एम कर दीजिए विदाउट इन्वर्टेड कॉमा एंड ओके कीजिए। आपका देखिए एम स्लैश पी एम आपको यहां मिल जाए। हाँ, लेकिन मुझे अगर अमाउंट इसको सिर्फ मिनट में ही शो करना है तो मैं बस स्क्वायर ब्रैकेट में एम लिख दिया तो पूरा का पूरा टाइम हमारा मिनट में, एस लिख दूंगा तो पूरा का पूरा टाइम सेकेंड में हो जाएगा। मतलब कि टाइम को कन्वर्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि तो विजुअल है, मुझे ओरिजिनल में 620 चाहिए ताकि मैं इसे कैलकुलेशन कर सकूं। तो जाहिर सी बात है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है कि कस्टम फॉर्मेटिंग में आपका जो विजुअल होता है उसको ओरिजिनल में चाहिए, उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? बट प्रॉब्लम है कि इसमें और आगे समझने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा। जी हाँ, एक आर्टिकल हम आपको भेज रहे हैं, उस आर्टिकल को एक बार आप पढ़िए, उसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैं भेज रहा हूं अभी आप क्लास में जो है उसके बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसे सारे आर्टिकल्स है वो क्लिक कीजिएगा। इसमें अच्छे से बताया गया है कि कस्टम फॉर्मेटिंग में किस तरह के कोड लगाए जाते हैं, कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, कलरिंग का भी दिया गया है। तो इस बार इस आर्टिकल को मंथ के भी दिए गए, कौन सा मंथ किसके लिए होता है, टाइम्स के लिए भी दिया गया है। तो इस आर्टिकल को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो आर्टिकल मेल पे भेजू या व्हाट्सएप पे? सबको भेज दीजिए सर, ईमेल पे। रेज जी आ गए, रॉबिन रॉबिन आर ए सर। ओ ये हाँ भी उसके बाद अमित जी आपकी कौन सी आईडी है सर? MIT से शुरू होगा, MIT.. MIT हाँ ये आ गया फर्स्ट। और आप बासी जी आपकी ईमेल आईडी M..
M dot yeah Asif A S I F Asif underscore Abbasi A B A B A double S Y at yahoo.com double S I A Y A Y Y at yahoo.com इस आर्टिकल को पढ़ ले ठीक है ओके इसके आगे कल तो क्लास नहीं होगी क्योंकि अब आशीष जी नहीं आ रहे हैं और कल मुझे भी थोड़ा सा